Hey you everyone, so what's up guys, यार कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईश्वर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू खतरनाक वीडियो पे, जहां पर आज अपन लेकर के आए हैं बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आप लोगों को एक खतरनाक प्लेयर बना देंगे। तो जानते हैं गाइस कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को सच में इतना बेहतरीन बना देंगे। तो सीधे चलते वीडियो की तरफ, बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को रोज देखते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अब सीधे चलते अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ। ओके गाइस, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप सेंटर वाली बिल्डिंग के अंदर फंस जाओ और सामने साइड सेंटर जो है उसमें बंदे हैं, तो आप लोग देखो एक ट्रिक लगा सकते हो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। स्पेशली जो बंदे खिड़कियों पे आते हैं ना, ऐसे ये देखो जैसे ये आ रहा है इसको, या फिर उस तरफ जो खिड़की पे आएंगे दोनों को, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है गाइस, जैसा कि राइट वाली पे एक बंदा आया तो आप लोगों को यहाँ पे देखो पीक लेना है। वो देखो वो रहा, ठीक है। तो अब क्या करना, हल्का सा जंप दिया और अब यहाँ पे वेट करो, अब यहाँ से पीक डालो और वेट करो, वो आ गया देखो, और ये एकदम इजी नॉक डल जाएगा गाइस। और इसके बाद तो आप सब जानते हो आप लोगों को क्या करना है भाई, सीधे घुस जाना अंदर और इन सबको पेलना है, सबको बहुत बुरा मारना है, इजी 1v4 का डालो। तो इस तरीके से गाइस आप ट्राई करना, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसी विंडो पे नहीं गाइस, लेफ्ट वाली पे भी ट्राई कर सकते थे, बस इतना सा मेक श्योर करना है कि लेफ्ट वाली जो मेन बिल्डिंग है उसमें कोई हो ना। बाकी गाइस ये था अपना फर्स्ट पॉइंट, और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो गाइस देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल बेसिक है जो कि अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फ्रेंड उस वाली बिल्डिंग में, अब एक बंदा उसको मारने के लिए जाएगा क्योंकि मैं छुपा हुआ हूँ, मेरी लोकेशन उनको नहीं पता, मैं इधर से आ रहा था स्कूल की तरफ से, और अब देखना वो बंदा वहां से कूद करके मेरे फ्रेंड की तरफ जाने वाला है और ये गया, ठीक है। अब देखो मेन चीज, अब मेरी लोकेशन पता लग गई उनको, और ये थी वो गलती भाई, कैसे खड़ा है, ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो गाइज। गाइज ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी, आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ अब से कि ऐसी कोई गलती आप लोग कर दो, और इसके बाद आप लोगों को भाई अंदर पुश करके बहुत बढ़िया डालना है इन सबको। तो ये गलती थी गाइज मेन, तो आप लोगों को कवर रखना क्योंकि आपकी लोकेशन अभी रिवील नहीं है, ठीक है, पता नहीं है उनको, तो उसका मैंने फायदा उठाया, उसको नॉक डाला। और दूसरा वाला जो बंदा था उसने जो गलती कर दी वो आप सभी ने देखी कि कैसे खड़ा हो गया नॉर्मली, या तो पीक यूज करता या थोड़ा सा डैमेज दे के अंदर जाता, पर गाइज देखो गलती तो गलती होती है इसलिए उसने अपना मैच खो दिया। तो ये था गाइज अपना ये वाला पॉइंट, और अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो गाइस देखो ये वाला बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बंदे को थोड़ा कंफ्यूज करना है। तो मैंने क्या बोला मेरे फ्रेंड को कि तू फायर कर और एक बंदे को नॉक करने की कोशिश कर, ये वाला अगर बाहर निकला तो मैं डालूंगा इसको। आप देखना गाइस सेम वही होता है, देखना वही गलती करी जो हमने सोचा था। तो गाइस ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइक ऑन रहना चाहिए, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और आपके टीममेट्स के बीच में। तो अच्छे टीममेट्स ढूंढो या बहुत अच्छे, उनके साथ कम्युनिकेशन ऐसे बैठाओ, अगर यहाँ माइक ऑन नहीं होता तो मैं उसको नहीं बोल पाता कि भाई तू बाहर निकल थोड़ा पीक दे, ताकि ये कोशिश करे मारने की और मैं इसे मार डालूं। तो ये बहुत प्यारी ट्रिक होती है गाइस, हर जगह यूज कर सकते हैं, और बाद में मैं पीछे से आके इन सबको मार दिया। और गाइस देखो सेम चीज हमारे साथ एक और बार हुई थी जब मैंने ये ट्रिक लगाई थी, तो यहां पर देखना फॉर एग्जांपल वो देखो सेम वही चीज, वो मेरे फ्रेंड को मार रहा मैं उसको मार रहा हूं, और आप देखना ये यहां पर भी वही हुआ, बट यहां पे ऑलमोस्ट उस बंदे ने भी सही खेल गया क्योंकि आप देखो वो बंदा पहले से रेडी था, जैसा मैंने लगाया वो उसने भी लगा दी, वो देखो राइट में झांक रहा है ना, उसने बढ़िया एम जमाया जब तक मैं उसको नॉक कर रहा था, और उसने मेरे को भी नॉक कर दिया, तो 1-on-1 हो गया, बिल्कुल 1-1 पॉइंट थे, बट जो भी हो उसने भी सही ट्रिक लगाई। तो यही ट्रिक मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, किस तरीके से आपने देखा कि उन लोगों का ध्यान कहीं और था, तो वैसे ही ध्यान का फायदा उठाना और ईजी पॉइंट्स निकालने का। सीधे चलते गए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। ओके गाइस, तो देखो इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये हमेशा गलती करते न्यू लोग स्पेशली। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि हम अंदर रश करते और यहाँ पे देखो ये एक बंदा, एक सेकेंड, इसको तो मैंने मार दिया, अब देखो मेन फाइट यहाँ पे चालू होती है। देखो इसने गलती कर दी, मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैं इसके फायर में आऊंगा ही नहीं। तो ये जो गलती कर रहा है ना गाइस, ये बिना फायर किए खिड़की पे आ ही क्यों रहा है, खिड़की पे निकलो ही तब जब आपको फायर करना, और कोशिश करो पीछे से डैमेज दो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं सोचता हूँ दरवाजे से जाऊंगा, पर ये बंदा क्या करता है अंदर वोल्ट कर गया, तो अंदर कर गया कोई टेंशन नहीं, ये ले पीछे से। तो इजी गाइज, ये आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ओके गाइज, देखो अब मैंने स्लो कर दिया, अब इजी बात करते हैं। तो यहाँ पर तो इसने इसको नॉक डाल दिया क्योंकि इसका एम एकदम रेडी था, बट अब मेरे ऊपर ये गलती करता है कि ये देखो एम बैठा ही नहीं पा रहा, और मैं इसकी एम में आ भी नहीं रहा, मैं देखो उल्टा जा रहा हूँ और मैं डैमेज दे रहा हूँ इसको। देखो आया ना थोड़ी देर के लिए विंडो पे, ऐसे आप लोगों को फायदा उठाने, विंडो पे एम आपका तो रहना चाहिए हमेशा, उसका भी एम ऐसे ही रहता तो सही रहता, और मैं देखो पीछे से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो इधर से भी पीछे से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो देखो गाइस उधर जा चुका है, ठीक है। अब मैं फिर से सेम चीज लगा रहा था,
कि उसको पीछे से डैमेज दूँ, बट मैं सोचा अब की बार चलते गेट के ऊपर कि हो सकता है गेट पर आ जाए, बट वो देखो खिड़की के ऊपर वोल्ट कर गया। अब वोल्ट कर गया तो मैं वापस अंदर आता हूँ और अंदर जाके इसको इजी किल कर देता हूँ। तो आई होप कि गाइस आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अब सीधे चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। ओके गाइस, देखो ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। और यहाँ पे इतना तो प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहता है अपना, ये वाला ये सेम रहता है, यहाँ तक आप लोगों को जंप करना होल्ड करके। अब देखो जो लास्ट बिल्डिंग है गाइस उसका कैसे अच्छे से फायदा उठा सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि सामने बंदे और जोन कटने वाला, तो हमें पता था कि वो जोन में आएंगे, तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था। थोड़ा सा पी के रखा, हेड को नीचे रखना गाइस, और अब जिस चीज़ की वेट कर रहा था मैं वही होता है। यहाँ पे एक बंदा आएगा तेजी से, वो आया और ये गया, ठीक है अब वेट करो, और आएंगे क्योंकि भाई गलती करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। और यहाँ पे दो बंदे आ गए क्योंकि इनका फ्रेंड नॉक हुआ है। अब देखो मेरे फ्रेंड को मारने के लिए आएगा, मैंने फ्री फायर दिया और वो सेम गलती कर दिया, तो गाइस देखो इसने बहुत बड़ी गलती करी जो कि फ्री फायर में आ गया। तो ये गलती अपन लोगों को नहीं करनी। इसके बाद गाइस हम पुश भी कर सकते थे, बट हमने पुश इसलिए नहीं किया क्योंकि जोन कट गया। देखो फिर हमने सोचा भाई निकलने में फायदा है, इसलिए हम फटाफट से निकल गए। बट गाइस ये ट्रिक हमेशा काम करती है, इस वाली छत के ऊपर बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो मेक श्योर गाइस कि अब अगली बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें। और सीधे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। ओके गाइस, देखो यहाँ पे आप लोगों की छोटा सा रोटेशन का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जो है बंदे आ चुके हमारे और हम ऑलमोस्ट लो है, तो मैंने क्या बोला कि नीचे नीचे से चलते हैं, क्योंकि देखो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बंदे ऊपर पहले से खड़े। तो हमने क्या बोला कि नीचे नीचे आ, और नीचे से अपन लोग उस तरीके से या तो पीछे से आ सकते हैं उनके या साइड से मारने वाले, वो सेम होता है गाइस। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ जल्दी आ, बट ये देखो लेट हो गया। अब लेट हो गया तो यार नुकसान भुगतना पड़ा इसको, बट अब वो देखो जैसा कि मैंने सोचा था वही होता है सेम। वो बंदा देखो वहाँ जा रहा है, भाई मुझे वहां ढूंढ रहा जहां मैं हुई नहीं, यही चीज मैं कह रहा था। और अगर हम दोनों आ जाते तो दोनों बच भी जाते। तो गाइस ये वाली जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है। छोटा सा रोटेशन दिया हमने, नीचे से आए ताकि उसको दिखे भी ना, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। और इसके बाद मैं प्रॉपर जोन के अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे एक रूल है खेलने का कि अगर जोन बहुत दूर है और लास्ट बचे हो तो या बम फोड़ लो या फिर बंदे कम हो तो बम फोड़ लो। तो यही रूल हमने फॉलो किया और इसके बाद अपने आप को उड़ा लिया। पर गाइस देखो जो भी, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को क्लियर है। और इस ट्रिक को गाइस जितना जल्दी हो सके ना जल्दी से लगाना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वेट लॉस गाइस मैं आप लोगों के लिए एक बार कंक्लूड कर देता हूं सारे पॉइंट्स, ताकि आप लोगों को एकदम इजी रहे कि आज किस-किस पॉइंट्स की बात हुई थी गाइस। तो सबसे पहले गाइज अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप सेंटर वाली बिल्डिंग से साइड सेंटर्स वालों को इजीली नॉक कर सकते हो, यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रिक लगा के, और इसके बाद आप रश करके इनको सबको मार सकते हो। दूसरे पे अपन ने जाना था कि किस तरीके से आप कवर रख सकते हो अगर आपकी लोकेशन अननोन है तो, और अगर रिवील भी हो जाती है तो ऐसे बंदों को मारने से बिल्कुल मत चूको, और ये गलती है बट आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद अगली जो ट्रिक अपन ने जानी थी वो थी कम्युनिकेशन के बेसिस पे, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एनिमी को थोड़ा कंफ्यूज करना होता है, लालच देना होता है, और वही यहाँ पर होता है। देखो मेरे फ्रेंड को मारने आ रहा था और मैंने उसी का फायदा उठाया और ये एकदम इजी नॉक। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को भी नॉक्स निकालने हर जगह निकाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ था कई बार। इसके बाद गाइज अपन लोगों ने बात करी थी इस वाली ट्रिक की कि आप लोगों को कैसे अपने एम को रखना है और पीछे से मारने की कोशिश करनी है और खिड़की पे कम आना है, ठीक है। एम रख के ही आओ, अगर आओ तो बिना एम के खिड़की पे बिल्कुल भी नहीं आना, जैसे कि ये बंदे ने गलती कर रहा था बहुत देर तक। और गाइज देखो इसके बाद अपन ने बात करी थी कि कैसे आप इन सबको ईजी नॉक कर सकते हो ये वाली ट्रिक लगा करके। और इस बिल्डिंग में जो बंदे रहते हैं ना उनको बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज रहते हैं क्योंकि बिल्डिंग नीचे है, ठीक है, और इसके बाद भागोगे ना हर जगह से दिखोगे, पीछे भी भागोगे तो हमेशा दिखोगे। तो बहुत सही तरीका रहता है ये वाली ट्रिक लगाने का। और एंड में अपन ने जाना था गाइस कि किस तरीके से आप एक छोटा सा रोटेशन देके अपने आप को बचा सकते हो और एनिमी को बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दे सकते हो और पीछे से अटैक कर सकते हो क्योंकि वो आपको वहां ढूंढने वाले जहां आप हो ही नहीं। तो ये थी गाइस अपनी आज की मेजर टिप्स एंड ट्रिक के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। और इसी के साथ अब आपका भाई मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।